मैं प्रारंभ में जानबूझकर यह बताया कि मैं विरोध करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि बहुत सारे भाषण यहां हुए हैं, उसमें विरोध हो रहा है या समर्थन हो रहा है या अभी भी तटस्थता है, निश्चित क्या करना है इसका पता नहीं चल रहा है। और इसलिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। अभी अभी रामविलास जी पासवान जी का भाषण हुआ, नहीं वो बाहर क्यों गए ये मैं नहीं पूछना चाहता, चैन पुलिंग के बाद तो बाहर जाना ही पड़ता है। उन्होंने शरद जी से अपेक्षा की कि वो चैन पुल कर ले, 6 महीने की सजा होती है। मेरे मुंह की बात छीन ली, 10 महीने के प्रधानमंत्री की सजा भुगतने के बाद और शरद जी 6 महीने की सजा भुगतने के मनस्थिति में होंगे ऐसा कम से कम लगता तो नहीं है। और इसलिए आप प्रार्थना भले करें, सभापति जी, इस सदन ने विश्वास के अनेक प्रस्ताव देखे हैं, अविश्वास के भी प्रस्ताव देखे हैं, गर्मा गर्मी की चर्चा देखी है, लेकिन शायद सदन के इतिहास में ऐसी चर्चा विश्वास अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन ने देखी नहीं। क्योंकि जो विश्वास मांग रहा है उसे अपने पर ही विश्वास नहीं है, उसका अपनों पर ही विश्वास नहीं है। जब अपने पर विश्वास ना हो और अपनों पर भी विश्वास ना हो तो परायों के सहाय से वो अपने आप को विश्वास मत पारित कर लेगा, इस भ्रम में इस प्रकार की चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा, हम निश्चित रूप से अपेक्षा करते थे, आदरणीय जसवंत सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में विस्तार से यह बताते कि विश्वास का प्रस्ताव रखने की नौबत उन पर क्यों आई। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन पर विश्वास का प्रस्ताव रखने के लिए क्यों कहा, लेकिन प्रधानमंत्री के पूरे आधे घंटे के भाषण में उन्होंने एक शब्द से यह नहीं कहा कि वो इस सदन का विश्वास क्यों मांग रहे हैं। और वो अपनी कश्मकश में तो यहां तक भूल गए कि भाषण समाप्त होने तक भी उन्होंने सदन से यह औपचारिक भी प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे अपना विश्वास दो। मैं उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनका विश्वास इस सदन में तय नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। और वो निश्चित रूप से क्या हो रहा है इसकी उस क्षण को जानकारी के अभाव में उन्होंने केवल शुरू किया हो, या हो सकता है कि उन्होंने अपने सारे शस्त्र उत्तर के भाषण के लिए रखे हो और 100 सुनार की और 1 लोहार की रूप में वो शायद विश्वास मत के अंतिम भाषण में हमसे ये जानना चाहते हो, हमको ये बताएंगे कि विश्वास मत प्रस्ताव क्यों आए। लेकिन जितने औरों के भाषण मैंने सुने उसमें भी ये जो संकट आया है, इस संकट के संबंध में किसी ने स्पष्ट रूप से चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। गुजराल जी का भाषण हुआ, विदेश नीति पर बहुत बढ़िया भाषण हुआ, उनके विदेश नीति से हम सहमत हो ना हो, लेकिन उनका भाषण सुनते हुए मुझे लगा कि आज विश्वास के प्रस्ताव की चर्चा नहीं है,
शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के डिमांड्स की चर्चा हो रही है और उस पर जिस प्रकार का भाषण हो उन्होंने अपना भाषण दिया, जो वर्तमान संकट, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ के संकट की बात की, नैम की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन जो राजनीतिक संकट के कारण 11 तारीख को हम यहां मिले हैं उस संकट के बारे में उन्होंने कोई अपना अभिमत नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो उपलब्धियां गिनाई, मैं केवल समय अभाव में एक एक छोटा उदाहरण देके आगे चलूं। उन्होंने कहा 6 साल के बाद हमने अंतरराज्यीय परिषद ली। अब आज का संकट, आपने 6 साल में अंतरराष्ट्रीय परिषद क्यों नहीं ली, इसके लिए निर्मित संकट ही नहीं है। अगर आपको किसी परिषद का कहना चाहिए था तो स्टीयरिंग कमेटी में क्या हुआ, निगोशिएटिंग कमेटी में क्या हुआ? आखिर सारी आज का जो संकट है वो स्टीयरिंग, निगोशिएट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इससे निर्मित संकट है। आप इंटरस्टेट काउंसिल में क्या हुआ और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या हुआ, इन दोनों की चर्चा करके 11 तारीख में आप हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप ये तो बताइए कि स्टीयरिंग में क्या हुआ। लेकिन न उन्होंने स्टीयरिंग का कहा, न इनफॉर्मल कहा, न फॉर्मल कहा, न उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, न उन्होंने विड्रॉल के लेटर की बात की, उन्होंने तो ऐसा भाषण किया कि जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं। बस वो एक लाइन विश्वास का प्रस्ताव पड़ गए, फिर 2-4 काउंसिल की बात की और बैठ गए। अब अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार विश्वास मांगे, और चंद्रशेखर जी अपेक्षा करते हैं कि उनके गुरु विश्वास दे, कुछ विश्वास के लिए कहो। अब उन्होंने तो नहीं मांगा। हाँ, प्रिय रंजन दास जी ने अपनी ओर से यह प्रयास किया कि हम विश्वास के प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहे हैं, भले उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ना कहा, क्योंकि जब तक स्थिति निश्चित ना हो तो अंधेरे में ज्यादा कहना आवश्यक नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर कहा। अब उनका भाषण सुनकर मुझे लगा कि इट वॉज बंच ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शंस। आप क्या भाषण कर रहे थे? आपने मुलायम सिंह की तारीफ की, ही इज द सेक्युलर बिल्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। भैया मानते हैं मुलायम सिंह महान है और वो सेक्युलर इंडिया के सबसे बड़े, और फिर उन्होंने कहा देवेगौड़ा जी मायावती को मुख्यमंत्री आपने क्यों नहीं करने दिया? अरे बेचारे देवेगौड़ा क्या करेंगे, उनके पास 7 मेंबर नहीं है। 70 सभाओं के बाद 28 से 7 पर उनका आंकड़ा उत्तर प्रदेश में आ चुका, वो तय क्या करेंगे? मायावती जी तो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनी, तो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनी, पता नहीं अब आजकल मायावती जी मुख्यमंत्री, और इसलिए झगड़ा देखकर आश्चर्य लगता है सभापति जी, मायावती मुख्यमंत्री तो बननी चाहिए थी आप सबके समर्थन से। कांग्रेस और बीएसपी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव में थोड़े घूमे थे, और हमने केसरी जी के भाषण सुने कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम केंद्र सरकार का समर्थन हटा लेंगे। अब इसके बीच में कौन खड़े थे? सारी दुनिया जानती है कि मायावती जी और मुख्यमंत्री पद के बीच में अगर कोई खड़ा हो तो वो केवल खड़े थे मुलायम सिंह जी। कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई, और अगर वो हिम्मत नहीं हुई मुलायम सिंह जी को कुछ नहीं, ही इज द सेक्युलर बिल्डर ऑफ यूपी, और बेचारे देवेगौड़ा आप, और इसलिए आज वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम बहुत बार भुगते हैं। प्रिय रंजन जी बोल रहे थे कि दोनों हमको मार रहे हैं, भैया हम तो बहुत वर्षों यहां बैठ के दोनों का मार खा चुके हैं, तो एक बार आप भी खाकर देखिए। अब जहां आपने यह कहा मुलायम सिंह की, और हमने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और क्यों बना? ये 6 महीने 2 महीने हमारी 6 महीने की कर, आप भी तो 10 महीने में इसको निकालने की बात कर रहे हो, कोई 4 महीने का ही झगड़ा है क्या? आप भी तो 10 महीने में निकालने की बात कर रहे हो, आप कौन सी 5 साल का नरसिंहराव जी के अभिवचन का पालन हो रहा है, आप भी तो 10 महीने के बाद उसको बदल रहे हो। तो हमारा 6 महीने कम से कम हमने पत्रकार परिषद में कहा कि हाँ 6 महीने वो रहेंगे, 6 महीने हम रहेंगे, साल भर के बाद विचार करेंगे, जो भी था हमने खुले कार्ड लोगों के सामने लाए। आपने कभी भाषण में ये नहीं कहा था कि 10 महीने के बाद हम सोचेंगे, 9 महीने के बाद हम सोचेंगे कि परिणाम क्या है और उसके अनुसार हम निर्णय, आपने कभी नहीं कहा था। हमने जो कहा जानबूझकर कहा था, और इसलिए मायावती को अगर मुख्यमंत्री बनाया हो तो हमने बनाया, उत्तर प्रदेश का अगर हमने रास्ता निकालने की कोशिश की हो तो हमने की है, ये आप कर नहीं सके। और दोष मैंने सुना
फारूक जी की तारीफ है, और उस समय फारूक जी बैठे भी थे, उनको भी अच्छा लगा होगा कि कश्मीर का चुनाव फारूक जी को जीतना चाहिए था। अब फिर मैंने धीरे से कश्मीर के हमारे मित्रों से पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी थी क्या? उन्होंने वहां भी फारूक को आउटसाइड सपोर्ट दिया था क्या, भाई तुम ही लड़ो और तुम ही जीत जाओ? तो पता चला कि ये फारूक से लड़े थे, और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट पाए, सबसे कम सीटें पाए। अगर आप खुद फारूक से लड़े तो देवेगौड़ा फारूक को कहां से बचाएंगे? असल के कारण बताओ क्या है? आपने तीसरा मुद्दा रखा, वो पाकिस्तान के अध्यक्ष लेघारी ने क्या कहा? अरे बाप रे, हम अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब आप कि उसने क्या कहा, मतलब आप अपने पार्टी के अध्यक्ष के बयान की रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते। बेचारा देवेगौड़ा लेघारी की रिस्पांसिबिलिटी कहां से लेगा कि उसने कहां से बात की, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेघारी ने क्या कहा? खलीज टाइम्स, हम भी दुखी हैं, पाकिस्तान के अध्यक्ष ने जो कहा वो निंदा के पात्र है। खलीज टाइम्स में जिस प्रकार आया उसका खंडन भी बाद में किया होगा, अगर वो सच है तो वो गलत है, लेकिन उसका किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं था। लेकिन तब आप ये नहीं बोले कि इस संयुक्त मोर्चा के सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने भरी सभा में यह कहा कि छिंदवाड़ा में भरी सभा में कहा कि एक तिहाई कश्मीर ये पाकिस्तान को देना चाहिए और वही कश्मीर। अब उस फारूक जी के घर पे बैठ के आप तय कर रहे हैं, और इसलिए आज सुबह किसी समाचार पत्र ने लिखा है कि इनके निगोशिएशन सफल क्यों नहीं हुए, उन्होंने कहा इन्होंने जगह गलत ढूंढी। पहले फारूक अब्दुल्ला के यहां बैठे, अब वहां कोई भी आदमी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर तो जा ही नहीं सकता, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बीच में था। और फिर दूसरी बार बैठे शरद जी के यहां, अब वहां कोई फैन सिटिंग सा मामला है, कभी पॉजिटिव डिसीजन होता ही नहीं, तो वहां से डिसीजन कहां से आएगा? मुझे तो लगा कि आपको समझौता अगर सफल करना है तो हम कम से कम वाजपेयी और बसपा से काशीराम जी से पूछ तो लेते कि आप कहां बैठे थे, उस जगह का शायद कुछ महत्व हो सकता है जिससे आपको रास्ता मिल जाता है इस जाने का। अब इस मतलब जिसने एक तिहाई कश्मीर देने की बात की, हिंदुस्तान की संसद का यूनानिमस रिजोल्यूशन है एक तिहाई कश्मीर वापस लेने का, हमारा यूनानिमस रिजोल्यूशन है एक तिहाई कश्मीर वापस लेने का, एक मुख्यमंत्री वो भी कश्मीर का बात करता है एक तिहाई कश्मीर देने का, और आप उनकी यहां बैठ के तारीफ करते हो और हमको राष्ट्रहित समझाने की कोशिश करते हो। फिर तो प्रिय रंजन दास मुंशी जी ने ज्योति बसु के गणशक्ति का आर्टिकल विदाउट ट्रांसलेशन देवेगौड़ा जी को कहा आप पढ़ो। अरे सोमनाथ दा ने पढ़ा फिर भी नहीं माना, अब सोमनाथ जी खुद ज्योतिदा का नहीं मान रहे हैं तो देवेगौड़ा को पढ़ा के क्या? और भाषण में कहा कि ये जो सेक्युलर नॉन सेक्युलर कम्युनल लोग हैं इनसे कौन लड़ेगा, 10-5 प्रांत गिनाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन ने। अब मैं उनका भारत का नक्शा देख रहा था तो मुझे ये लगा ये तो ठीक है, उन्होंने कहा महाराष्ट्र, गुजरात कहा, राजस्थान कहा, ठीक है। लेकिन मुझे फिर यह ध्यान आया कि केरल में कौन किसके साथ लड़ रहा है, कर्नाटक में कौन किसके साथ लड़ रहा है, आंध्र में किसके साथ कौन लड़ रहा है, तमिलनाडु में कौन लड़ रहा है, ओडिशा में कौन लड़ रहा है, बंगाल में कौन लड़ रहा है, त्रिपुरा में कौन लड़ रहा है, असम में कौन लड़ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां किसके साथ लड़ रही है, हमारे साथ लड़ रही है, किसके साथ लड़ रही है? और इसलिए आप हमारी नहीं, आपका तो पता भी नहीं मिलेगा, अगली बार पोस्टमैन आ जाए ना तो चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो, आप में से आधे लोगों का तो सब बेरंग वापस जाएगा कि पता गलत है, ये नॉर्थ यूनियन में भी नहीं रहते, साउथ यूनियन में भी नहीं रहते, इसलिए उसकी चिंता मत करिए आप, आगे क्या होना है। सभापति जी, मैं उस पत्र का अध्यक्ष जी क्षमा चाहता हूं, मुझे इनकी आपसी राजनीति में कोई रुचि नहीं, क्योंकि संसद में आया इसलिए बातचीत करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह सत्ता दल है, यह समर्थित दल है, इनकी सत्ता इनके समर्थन पे, इनका समर्थन हटा लिया, इनका आपस का मामला है, यह आपस का झगड़ा पंचायत में लेके आए
और पंचायत में लेके आए इसलिए बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो हमें कोई आपकी झगड़े में रुचि नहीं। आप समर्थन दो ना दो, आपने जो तय करना है करिए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हो, ये पत्र क्या है? अगर सब मंत्री अच्छे हैं तो आपका पत्र क्या है? पत्र में आपने संयुक्त मोर्चे के कौन से मंत्री को बख्शा है? संयुक्त मोर्चे के किस बात के लिए आपने कहा है कि अच्छा है? और इतना ही नहीं, मैं तो पत्र को देखकर आश्चर्य से दंग हो गया। राष्ट्रपति को लिखा है कि पंजाब के चुनाव में इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम हार गए। अब राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे भाई? यूपी में आप हार गए, पंजाब में हार गए, इसका आपके समर्थन के विड्रॉल से क्या देना लेना है? और मान भी लीजिए आप इकट्ठा हो जाते, तब भी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत थी कि वो आपको इकट्ठा भी हरा देते। लेकिन आप राष्ट्रपति को लिख रहे हैं कि यूपी में क्या हो रहा है, दे आर नॉट हेल्पिंग अस पॉलिटिकली, ऑल बाई इलेक्शन वी आर लूजिंग, दे आर नॉट हेल्पिंग। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, बाई इलेक्शन आप लूज कर रहे हैं, क्या ड्राफ्टिंग है? आप उसका ड्राफ्ट देखिए, शरद जी देख रहे हैं शायद, जरूर देखें, मैं पढ़ के बात कर रहा हूं। सर सर सर, आई विल सेव द टाइम। इन यूपी पंजाब एंड ए सीरीज ऑफ बाई इलेक्शन द यूनाइटेड फ्रंट फेल्ड टू वर्क टूगेदर विद द कांग्रेस टू कंटेन द फोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनलिज्म। व्हाट राष्ट्रपति हैज टू डू विद दिस? ये तो चुनाव का समझौता है, किसका किसके साथ हो गया, इसका प्रस्ताव से क्या संबंध है? लेकिन प्रिय रंजन जी शायद नहीं है, नहीं। इस सदन में कोई नहीं सोता है, सब चिंतन करते हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने दुख बताया कि दोनों तरफ से मार पड़ रही, इसलिए मुझे लगा कि जसवंत जी की भी मारे और मैं भी मारे ठीक नहीं। मुझे कभी कभी उनकी हालत समझ में आती है। इनकी सत्ता इनके आधार पे है, पूरा समर्थन इनका ही नहीं तो ये तो आते ही नहीं, शपथ ही नहीं होती, एक महीने में चले जाते। अब इन्होंने सत्ता दी और सत्ता देने पर इन्होंने उत्तर क्या दिया? एक बड़े नेता ने कहा, समर्थन वापस लिया तो जूते पड़ेंगे। अब मुझे मालूम नहीं, ये संसदीय शब्द नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन अब बड़े नेता कह चुके, हम क्या करें? किसी ने यह कहा कर्नाटक की विधानसभा में, हिम्मत है तो समर्थन वापस लेकर दिखाओ। और एक बड़े नेता ने तो कहा, यू हैव ए चॉइस, यूनाइटेड फ्रंट और तिहार जोय, चॉइस इज योर्स। ये कौन सा समर्थन मांगने का ढंग है जी? मतलब मैं नाराजी समझ सकता हूं आप लोगों की, ऐसे कैसे आखिर समर्थन दिया, हमने वीपी सिंह को समर्थन दिया तो थोड़ा बहुत नाराजी हम भी समझ सकते हैं आपकी नाराजी। कोई कहे कि यूनाइटेड फ्रंट और तिहार, अब यहां खड़े होकर कह रहे हम अपील करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये पहले क्यों कहा? अब असली झगड़ा सांप्रदायिकता का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 महीने पहले सांप्रदायिक थी तो आज भी उतनी होगी, हम तो उतने ही हैं। फिर सांप्रदायिकता के नाम पर आप दोनों इकट्ठा आ रहे हैं, आज बिखरने की बात क्यों हो रही है? ऐसी कौन सी बड़ी बातें आई जो हमारे सो कॉल्ड कम्युनलिज्म से बड़ी हुई? लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात संयुक्त मोर्चा को भी समझना चाहिए, अरे जिनके समर्थन पे राज कर रहे हो उनके साथ कुछ तो अच्छा बर्ताव करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केस में अचानक एक नया नाम जुड़ गया, अरे पहले नहीं था, वो महतो ने कभी उस नाम को नहीं लिया, अब जुड़ गया। अब परेशानी होगी साहब, किसी वरिष्ठ नेता पर इस प्रकार का आरोप पता है तो परेशानी होगी। अध्यक्ष जी, अब पार्टी को किसी ने 2 करोड़ का चंदा दिया, अच्छा सूटकेस में नहीं, चेक से दिया है? अब चेक से चंदा देना नहीं चाहिए था, उनकी कंपनी डूब रही थी, डूबने वाले कंपनी को इतना चंदा देने का अधिकार नहीं है, ये लीगल है, लेकिन चंदा दिया तो उसके घर पर रेड कर दिया, आगे कैसा होगा चुनाव में? अगर हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं और चंदा देने वाले पर रेड कर रहे, दुख होना स्वाभाविक है। पार्टी को किसी ने 3 करोड़ रुपया विदेश से दिए, ड्राफ्ट से दिए, नो सूटकेस, नो हैंकी पैंकी बिजनेस, नथिंग अंडर द टेबल, ड्राफ्ट बना के सिंगापुर से भेजे। अब बैंकिंग सिस्टम यह है कि ड्राफ्ट पे भेजने वाले का नाम नहीं होता। अब चिदंबरम जी पूछ रहे किसने 3 करोड़ दिए, नाम बताओ। अरे भाई अपनी पार्टी है, समर्थन दे चुकी है, पूछने का अधिकार ही आपको इस पर मिला है कि उस पर नहीं होना चाहिए। अब अध्यक्ष जी, सब पार्टी
पार्टी को हिसाब मांगा। अब ये ठीक है कि बहुत सालों से कुछ पार्टियों ने हिसाब नहीं रखा हो, कांग्रेस पार्टी वक्त पर हिसाब दे नहीं सकी। अब होता है भाई, समर्थन देने वाली पार्टी है, दो चार दिन आगे पीछे पेशी कर देते, 20 करोड़ का जुर्माना। 10 महीने में समर्थन दिया और 10 महीने में समर्थन दिया और 24 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया। 10 महीने में इनकम कुछ नहीं, टैक्स 24 करोड़। राजनीति में एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, ना खाता ना बही, हम जो कहे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम जो कहे वही सही। अब साहब, जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा 50 वर्ष तक ऐसी थी कि हम जो कहे वही सही, उसको आपने नोटिस दी थी डिस्प्रोपोर्शनल एसेट है बोल के आपके, अरे डिस्प्रोपोर्शनल एसेट की नोटिस दी थी, 25 साल लोगों ने हिसाब में नहीं मांगा और आप हिसाब मांगने लगे डिस्प्रोपोर्शनल। अब अगर गुस्सा आया हो उसमें दोष किसका है? तो कुछ तो, मैं तो कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे खुलकर, इसलिए मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहता हूं। क्या ठीक? किसी को हत्या में फंसा दो, किसी को डकैती में फंसा दो, किसी को भ्रष्टाचार में फंसा दो, बेचारे वो आडवाणी थोड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। हिम्मत हो तो नेता की ऐसी, इनकी नहीं है हिम्मत, हो तो ऐसी। आडवाणी जी पर आरोप हुआ, उन्होंने कहा लोकसभा का त्याग पत्र देता हूं और उस दिन तक मैं लोकसभा में नहीं आऊंगा जिस दिन तक कोर्ट से नहीं पाऊंगा। और आज हिंदुस्तान के इतिहास में उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध करके वो कोर्ट से बरी होके फिर लोकसभा में प्रवेश कर। अब आप इनसे अपेक्षा करते हो कि भारतीय जनता पार्टी जैसा व्यवहार करे? नहीं कर सकते वो, अब वो नहीं कर सकते तो वो जैसा व्यवहार करते उसी प्रकार आप उनसे व्यवहार करिए। आप उनको कोर्ट में रहता लॉ विल टेक इट ओन कोर्स, ऐसे कैसे चलेगा? आप रेस कोर्स में बैठे उनको ओन कोर्स में भेज रहे, ऐसे कैसे चलेगा? अध्यक्ष जी, ये व्यंग मत लीजिए, ये असली झगड़ा है और पहले दिन से सत्ता का झगड़ा असली झगड़ा है। इसको सांप्रदायिकता का तो आप जामा दे रहे हो, जैसे सब लोग 6 दिसंबर 6 दिसंबर, भाई ये तो हमको सर्टिफिकेट कोई देने को तैयार है कि ऑन 5th of December 1992 बीजेपी वॉज 100% सेक्युलर। कम से कम चलो ये दे दो, कोई खड़े होकर कहे तो कि आप 6 दिसंबर के कारण आप नॉन सेक्युलर, नहीं तो आप तो पैदाइशी सेक्युलर लोग हो आप किस। अरे हमको तो आपने नॉन सेक्युलर अभी थोड़ा ही बोला है, जनता पार्टी से जब हम निकले तब भी, अरे जिस देश में जिस किसी को आपस में झगड़ना होता है उसको, वी आर द व्हिपिंग बॉय ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, झगड़े आप और नाम हमारा, अरे हमको क्या लेना देना आपसे, आपका नाम ले रहे हम सांप्रदायिक है। 6 दिसंबर को उसके पहले नहीं थे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह नवासी की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो बड़े नेता ऐसे हैं कि सिद्धांतों पर बढ़ी गए थे, और इसलिए मथुरा में जब सभा हुई उन्होंने बीजेपी का झंडा दिया, इसका झंडा उतार, मैं बीजेपी के सभा में नहीं जाता। अब हम क्या करें भैया, चलो झंडा उतार दिया, कहां झगड़ा करें, कांग्रेस को हराना था, आकर खड़े हो गए, बैठ गए, भाषण कर लिया। और जब हमारे समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो एनएक्सी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सब लोग आ गए, वो छोड़ दो सेक्युलर कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट दो, इस देश में सपोर्ट किसी का भी चलता है। सोमनाथा का भाषण नहीं सुना? कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका ले सकते। अरे भाई आदमी गंदा है
तो लेना क्या और देना क्या, लेन देन में पूरा गंदा होना चाहिए, लेने में अच्छा देने में गंदा, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। जब हम आपका समर्थन कर रहे थे 89 में, जब 18 महीने सरकार आपने हमारे बलबूते पर चलाई, तब आपको याद नहीं आया, ये किसी ने मंडल की बात की, मुझे मालूम है उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था। 7 अगस्त 1990 को मंडल के बारे में प्रधानमंत्री ने आके राज्यसभा में बयान दिया। लोकसभा में चर्चा नहीं होती, राज्यसभा में चर्चा होती, क्यों आया मंडल, क्या लोग भूल गए कि 9 अगस्त को देवीलाल की यहां रैली थी, देवीलाल ने चुनौती दी थी और उस रैली से बचने के लिए आपने मंडल आयोग का 7 का रास्ता ढूंढा था, कोई सामाजिक न्याय से। उस दिन सौभाग्य से राज्यसभा में बोलने वाला मैं पहला वक्ता था और उस दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने मंडल आयोग का समर्थन किया था, स्वागत किया था और आज भी हम करते हैं। और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पिछड़े वर्गों के हम देते हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के एमएलएस हमारे आते हैं, एमपीज हमारे आते हैं, शेड्यूल कास्ट के ट्राइब के पिछड़े वर्ग हम देते हैं। और इसलिए ये मैं बीच में नहीं बहुत हो गया, मंडल आयोग की बात करता हूं। और इसलिए हाँ, हमने समर्थन हटाया क्योंकि राम मंदिर पर लड़ाई शुरू हुई, अडवाणी जी को पकड़ा गया और हम उन पार्टियों में से नहीं है, संकट आते हैं तो अपने प्रधानमंत्री को डुबो देने में 2 मिनट नहीं सोचते हैं, और कुछ तो लोग संकट आते हैं तो अपने अध्यक्ष को भी डुबोने में ज्यादा देर सोचते नहीं है, हम उन पार्टियों में से नहीं है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष को जो पकड़ा गया उसके विरोध में हमने राम मंदिर के लिए अपना सपोर्ट विड्रॉ किया था और उसमें हमें कोई शर्म नहीं, हम गर्व से कहते हैं। और कम से कम चंद्रशेखर जी मानेंगे, राम मंदिर और 2 कांस्टेबल, इसमें कौन सा रीजनिंग ज्यादा साउंड होता है, कम से कम इतनी तो कोशिश करो। पहली बार इंदिरा जी ने चरण सिंह को लाया, ये दिन नहीं सटा चली, तो फर्स्ट आउटसाइड सपोर्ट, फिर हमने लाया 17 महीने चली, फिर राजीव जी ने चंद्रशेखर जी को लाया 4 महीने चली, मैंने एक बार गिना 17 और 4 21, तो 3 सरकारें हमने देखी, औसत आयु होगी 7 महीने। मैं देवेगौड़ा को बधाई देता हूं, वो 9 महीने सरकार चला पाए आउटसाइड सपोर्ट से, आज तक कोई नहीं चला पाया एवरेज 7 महीने के आगे। और 3 बार कांग्रेस ने विड्रॉ किया, किस कारण से किया, न चौधरी के संबंध में कारण था, न चंद्रशेखर जी के बारे में कारण था और न आज भी कोई कारण दिखाई देता है सिवा स्वार्थ के। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट विड्रॉल की इससे कंपेयर हो नहीं सकता, वह सैद्धांतिक विड्रॉल था और अगर हम चाहते तो जरूर करते। और फिर दुख इस बात का है कि हमने उस आउटसाइड सपोर्ट से ज्यादा सीख लिया, तो हम जरा अभी संभल कर चल रहे हैं, किसको करना किसको नहीं करना। अब उस आउटसाइड सपोर्ट से कांग्रेस नहीं सीखी क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, चंद्रशेखर जी इतने बड़े हैं कि मैं क्या बोलूं, चंद्रशेखर जी आप भी सीखना नहीं चाहते, देवेगौड़ा आपने इतने मित्र हैं, आप अपने अनुभव को बता देते तो कम से कम वो शपथ नहीं लेते, लेकिन दुर्भाग्य से हो। और इसलिए ये सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं है, सांप्रदायिकता की बात करनी है। होम मिनिस्ट्री के कागज मेरे हाथ में, 1996 में हिंदुस्तान में किन प्रांतों में कितने दंगे हुए उसका हिसाब है, और केवल मैं गृहमंत्री जी का है, महाराष्ट्र जहां मोस्ट कम्युनल गवर्नमेंट चल रही है शिवसेना और बीजेपी, वहां दंगे हुए 7, और बिहार मोस्ट सेक्युलर गवर्नमेंट चल रही है दंगे हुए 24। करता हूं कि गृह मंत्री अपने पीछे जो लोग खड़े हैं उनका सुनकर अगर इसमें सुधार हो तो करेंगे। दूसरा कम्युनल गवर्नमेंट राजस्थान, 96 दंगे की संख्या 1, और सेक्युलर गवर्नमेंट मध्य प्रदेश, दंगों की संख्या 40, कम्युनल गवर्नमेंट दिल्ली, दंगे 1, सेक्युलर गवर्नमेंट
सबसे सेक्युलर गवर्नमेंट केरल, दंगे 34। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये गृह मंत्री का कागज है। और इसलिए ये विषय सांप्रदायिक और असांप्रदायिकता इसका नहीं है। हम माने न माने, इस संयुक्त मोर्चा की सरकार या प्रधानमंत्री, उनके लिए आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस सरकार का, अगर ऐसा हो तो हमको हमेशा राज में रखो, दंगे हो गए नहीं देश में। मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूं दंगे न होने की, ये बहुत बार सुन चुका हूं मैं। इस सरकार का जन्म ही विचित्र हुआ। अध्यक्ष जी, कल रात मैंने दूरदर्शन पे पढ़ा, समाचार पत्रों में पढ़ा कि 13 पार्टी अपने अपने सदस्यों को व्हिप देने वाले हैं। अभी सरकार का गठन देखिए, दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, वो अपना उनका मामला है, देना दे मर्जी उनकी है। तो मैं सोच रहा था कि कौन किसको व्हिप देगा, कैसे देगा। मुझे खलब जी ध्यान आए, अभी वो सेक्युलर है। हाँ, रमाकांत जी खलब कानून मंत्री, अभी वो सेक्युलर है। एक साल भर पहले महाराष्ट्र गोमांतकवादी पार्टी और बीजेपी और शिवसेना का एक समझौता था, हमने चुनाव लड़ा था, इनको मुख्यमंत्री करने का हमारा प्रयास था, लेकिन हो नहीं पाया, वो चुनाव हार गए। अब वो सेक्युलर हो गए, हम क्रिमिनल हो गए, तो चलते रहता उसमें, ये तो हमारे साथ कोई बहुत नहीं बात। अब मुझे लगा ये 13 पार्टियों में खलब जी का व्हिप कौन किसको देगा। फिर मुझे लगा वो राइट हाथ से व्हिप लिखेंगे, लेफ्ट हाथ को दे देंगे। ये सरकार बनी है इसी, मुझे लगा कि शीश राम जी सतपाल जी को व्हिप देंगे या सतपाल जी शीश राम जी को व्हिप देंगे, क्योंकि देने वाले तो कांग्रेस में चले गए, ये इधर बैठ गए। अब नारायण दत्त तो इधर है नहीं, देंगे किसके। ये सरकार, मैं केवल एक छोटा उदाहरण देना चाहूं, खलब जी सामने है। हम अभी इन दिनों में चीन में एक संसदीय यात्रा थी, आपके आशीर्वाद से खलब जी के नेतृत्व में गए। आजकल अध्यक्ष जी चीन में जनतंत्र जानने की बड़ी उत्सुकता बढ़ी है, और इसलिए बहुत दिन बदले हैं। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी यहां कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पे आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर भारत में आकर अभ्यास करना चाहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा इनसे संबंध रख के, जो नई पार्टी आने वाली है उससे ज्यादा संबंध रखो, तो उनका भी आपस का सारा बदला है। अब मैं जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहां के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन द अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रह की ओर हाथ कर दिया, मैंने कहा ये है वो सामने है, सॉरी श्रीवल्लभपाणी, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनके ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द वर्क। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलब, ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज द गवर्नमेंट। संगतियों से अगर इस मोर्चे का जन्म ही हुआ हो तो आप आज कुछ भी कर ले, शरद पवार चेन खींच ले, कुछ भी करे। अब हमको किसी ने कहा कि अब रामविलास जी छोड़ दीजिए, इसमें शरद पवार चेन खींच ले, आप कुछ करें, हो सकता है कि आप देवेगौड़ा को बदल दें, क्योंकि वो तो 42 पार्टी के नेता हैं, उससे छोटी पार्टी निकाली है,
उसका प्रधानमंत्री करिए। धीरे धीरे तो जिसकी कोई पार्टी ना हो उसका प्रधानमंत्री बनने के चांसेस इस लोकसभा में बढ़ते जाएंगे। मुझे तो कभी लगता है कि इस प्रधान लोकसभा में पीछे आदमी कितने हैं, इससे प्रधानमंत्री नहीं बनता। जितने कम हो, न्यूट्रल आदमी है, गड़बड़ नहीं करेगा। अब एक अनुभव देखने के बाद भी कांग्रेस दूसरा देखना चाहती है तो उसे मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो करना चाहती है। अब इससे रास्ता नहीं निकलेगा। और इसलिए सत्य यह है कि सत्ता पिपासा सेक्युलरिज्म नहीं, सत्ता पिपासा ये संयुक्त मोर्चा की इच्छा है, और कानून का भय ये कांग्रेस का डर है, उसके कारण ये सरकार इकट्ठा टिकी है, बाकी सरकार में कुछ नहीं है। संयुक्त मोर्चे के लिए हमारे मन में दया क्यों आए? ये संयुक्त मोर्चा 13 पार्टियों का था, ये सरकारिया कमीशन वाला क्यों भाई? कोई 13 में एक दो पार्टी टूटी क्या? यह है धारा 356 का दुरुपयोग न करने वाली। और इसी सरकार में गुजरात में हमारे मुख्यमंत्री को बहुमत होते हुए और सदन में सिद्ध करने के बाद भी आपने गुजरात में हमारी सरकार गिरा दी, क्या दया करें? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हम थे। भाई आपका तो मेंबर नहीं, आप मेरी मेजोरिटी पूछ रहे हैं। आप और प्रांतों में जाके आप तो मेंबर तो ढूंढिए, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। जिसका मेंबर नहीं वो मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। आज चार चार काफी है, चार आपके लिए काफी है। और इसलिए इनकी राजनीतिक हलचल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रही। जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे हैं अटल जी को गुरुदेव बचाइए, भाई आप कह रहे हैं उधर देखिए गाली दिए बचाइए, गाली दिए। ये आप काम कर सकते हैं भैया, हमारे से तो हो नहीं सकता, ऐसे कैसे काम होगा? लोग आलोचना करें और कहे समर्थन करें, दिन रात गाली खाए। अब इसमें बजट, बजट का क्या होगा? संकट आर्थिक सब ठीक, वो इनको सोचना चाहिए, मैं क्यों सोचूं? हम तो विपक्ष में हैं, हम कोई बजट के समर्थक नहीं है, इसको पास करना हमारा काम नहीं। जिसका काम था उसको पूछिए, हमारे क्यों पीछे पड़े? आप पहले सोच के आइए। पहले तो जेना कहते मुझे पास करना ही नहीं है, फिर सीपीएम ने कहा हम करने नहीं देंगे, कांग्रेस ने कहा हमको मालूम नहीं। बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हो? राष्ट्रहित में बीजेपी किसी भी चीज के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन राष्ट्रहित में तैयार होना मतलब कोई पागलपन नहीं है कि कोई कुछ भी मांग ले और हम दे दें, हाँ ले लो ले लो। ऐसी कोई साधु संतों की जमात विश्व हिंदू परिषद साथ है, इसका मतलब थोड़े साधु थोड़ी है। और इस बजट को हम समर्थन दें। मैं बजट पर भाषण नहीं कर रहा हूं जैसे प्रधानमंत्री ने किया, बल्कि केवल मैं उदाहरण दूं। ये बजट के बाद अखबारों में इश्तिहार छपे, क्या छपे? कार सस्ती, टीवी सस्ता, एसी सस्ता, सेलुलर फोन सस्ता, चिदंबरम जी की कृपा, सब सस्ता ही सस्ता। इसको सपोर्ट करें। ये किसान है, इनको क्रॉप इंश्योरेंस की चिंता नहीं है, ओपन इंश्योरेंस की चिंता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस की चिंता करें तो समझ सकते हैं, इनको क्यों समझ? इसलिए इसमें हमें नहीं लगता है कि इनको समर्थन देने की कोई आवश्यकता है। और इसलिए वामपंथी दलों के बारे में इतने ज्येष्ठ नेता है, मैं तो आप आने के पहले कह चुका हूं, मुझे इस हिपोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं कहना। ये वर्षों से चलती आई है कि कांग्रेस का समर्थन चाहिए, उनको समर्थन नहीं चाहिए। अब इस प्रकार का इसकी अगर होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें था। अध्यक्ष जी सोमनाथ जी ने कहा, और वो इतने अच्छे वक्ता है और अभी अभी उनको अवार्ड भी मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छेपन पर और प्रतिष्ठा आ गई। उन्होंने भाषण करते समय कहा सीताराम वाजपेयी, उन्होंने गलती से नहीं कहा, वो इतने बुरे तो वक्ता नहीं है कि वो सीताराम केसरी का केसरी नाम भूल जाए और वाजपेयी के पीछे अटल जी का, मैं इतना तो उनको दोष नहीं दे सकता। बहुत अच्छे वक्ता है, सुलझे हुए वक्ता है, एब्सेंट माइंडेड नहीं है, वकील है, प्रोफेसर थोड़ी है, ये पढ़ाते हैं लॉ कॉलेज में, तो वो नहीं है। उन्होंने कहा और सीताराम जी क्या कहते हैं? देवेगौड़ा वाजपेयी, ये कहते हैं केसरी को तुम सीताराम वाजपेयी, और सीताराम केसरी देवेगौड़ा को कहते हैं तुम देवेगौड़ा वाजपेयी। कॉमन क्या है? वाजपेयी। इसलिए कहते हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि वाजपेयी कोई खलनायक है,
वाजपेयी खलनायक नहीं है, वाजपेयी इस हिंदुस्तान का महानायक है। जनता इसे मानती है। आप जी चाहे कोशिश कर लो, आप आखिर इकट्ठा आते क्यों है? सदन में भाषण हुआ रामविलास जी से लेकर प्रिय रंजन दास तक। अरे झगड़ो मत, दोस्ती कर लो, बांट लो, नहीं तो ये आ जाएंगे। सदन में कहा। तो असली डर सांप्रदायिकता नहीं है, असली डर है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसका डर। क्या भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो लोगों से वोट आने पड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई वोट लेकर जेब में से कोई शेयर बाजार में जाके जीतेगी नहीं, कोई मैनिपुलेटेशन से जीतेगी नहीं। बिहार की राजनीति थोड़ी है, तो वैसे भी जीतेंगे नहीं। अगर जीतना है तो लोगों के पास जीतना पड़ेगा। और अगर हिंदुस्तान के लोग आज वाजपेयी की सरकार चाहते हैं तो आप कितनी भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो, आप कुछ दिन शायद बचा भी लो, आप घोड़ा बदल भी दो, किसी और लंगड़े घोड़े को लेके आओ, उससे बहुत सरकार चलने वाली नहीं है। हम चिंतित नहीं है, और इसलिए हमको लगता है कि आज के संकट का दोष आपका है, और इस संकट हमारा भय आपको है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने 10 महीने में ऐसे खेल दिखाए हैं, आने वाले 4-6 महीने में अगर कुछ गड़बड़ करो तो और ऐसे खेल दिखाओगे कि हिंदुस्तान की जनता समझ जाएगी कि अगर हिंदुस्तान को कोई स्थिर सरकार देता है तो अटल जी के नेतृत्व में हम और हमारे दोस्त मिलकर आपको स्थिर सरकार दे सकते हैं। स्थायित्व का दावा अब हम करेंगे, और इसलिए आज का संकट है, चाहे इसे निपट लो, आज ना कल, कल ना परसों, आपको जनता के पास जाना होगा। और जनता के पास जब आप जाओ, इस विश्वास मत का कुछ भी हो, उस जनता के पास अटल जी के नेतृत्व में हम इतना विश्वास मत लेकर आएंगे कि आप इकट्ठे होने से भी हमारा राज कोई रोक नहीं सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।